सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विजय बैक अगेन विद अ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। सो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने अपने फ़ोन में कोई कस्टम रिकवरी इंस्टॉल की होती है, जैसे कि TWRP रिकवरी या रेड वुल्फ रिकवरी, एंड किसी रीज़न की वजह से अगर हमें अपने फ़ोन में MI रिकवरी दोबारा डालनी पड़े तो उसके लिए हमें पूरी फास्टबूट रोम फ्लैश करनी पड़ती है। एंड फास्टबूट रोम का साइज़ ऑलमोस्ट 1.6 to 2 GB के बीच में होता है, जो कि बहुत एक ज़्यादा साइज़ है। सो हम कैसे अपने फ़ोन में बिना फास्टबूट रोम को फ्लैश करे MI रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो जब हम फास्टबूट रोम को फ्लैश करते हैं तो हमारा सारा डेटा इरेज हो जाता है, एंड ये एक लंबा प्रोसेस है। सो इस प्रोसेस को शॉर्ट बनाने के लिए ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है या बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो इस मेथड को अप्लाई करने से पहले आपको एक फाइल को डाउनलोड करना है, जो कि है recovery.img फाइल। एंड अगर आपके पास अपने डिवाइस का कोई भी फास्टबूट रोम है तो उसके अंदर इमेजेस फोल्डर में आपको recovery.img की फाइल मिल जाएगी, जो कि मैं आपको यहां पर स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं। सो आपको इस फाइल को कॉपी करना है अपने फोन के इंटरनल स्टोरेज या SD कार्ड में। एंड उसके बाद आपको अपने फोन को रिबूट करना है TWRP रिकवरी या रेड वुल्फ रिकवरी या जो भी आपने रिकवरी इंस्टॉल की है उसमें। सो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैंने अपने फ़ोन को TWRP रिकवरी में बूट कर दिया है, एंड ये प्रोसेस आपके कोई भी कस्टम रिकवरी में वर्क करेगा, चाहे वो TWRP रिकवरी हो, रेड वुल्फ रिकवरी हो। सो TWRP रिकवरी में आने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल में क्लिक करना है, एंड यहाँ पर इंस्टॉल इमेज आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, सो आपको उसमें क्लिक करना है, एंड आपने जो फाइल कॉपी की है उसमें क्लिक करना है। जैसे कि मेरे पास ये recovery.img की फाइल है, सो मैं इसमें क्लिक कर दूंगा, एंड यहाँ पर ये ऑप्शन आएंगे तो आपको यहाँ पर रिकवरी में क्लिक करना है, एंड आपको स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश करना है। सो जैसे ही इतना करेंगे तो आप अगर देखना चाहें कि आपके फ़ोन में MI रिकवरी इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली कि नहीं, सो आप यहाँ पर रिबूट रिकवरी में क्लिक कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर MI रिकवरी इंस्टॉल हो गई है। नाउ जो मेरे फ़ोन में TWRP रिकवरी थी वो जा चुकी है, एंड यहाँ पर MI रिकवरी हमें मिल चुकी है। एंड इससे होता क्या है कि हमें वारंटी भी क्लेम करनी हो तो TWRP रिकवरी जब हमारे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है तो हम वारंटी क्लेम नहीं कर सकते हैं, बट अगर हमारे फ़ोन में MI रिकवरी इंस्टॉल्ड हो तो हम वारंटी भी क्लेम कर सकते हैं। सो आपने देखा कि कितना इजीली तरीके से हम अपने फ़ोन में MI रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। एंड अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट या आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इवन आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, एंड सभी की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।